से भाई तो मेरे सार और भी रहते हैं मेरे भाई तो पर मेरे इनसे जो बहुत ज्यादा था इनसे से भी था और कभी कभी मैंने कुछ भी कहा कोई करे मेरे का बात मोड़ी नहीं कभी भी सुबह ही बात है 8:55 आते वहाँ से मैं जब भी आते ना आते ना धो के चल के सबसे पहले वहाँ जाना सर आप उनके भाई हैं कुछ बातचीत हुई थी कुछ बोला था आने के लिए कब आएंगे नहीं बोला नहीं सुबह वैसे घरेलू बातें होती रहती थी आज भी सुबह बात हुई थी पारिवारिक बात तो होती रहती थी हमारी जी बाकी ऐसे को आने जाने भी पीछे पोते बीमार थे जब भाई साहब दो दिन छुट्टी ली एस पी साहब से लेके आए थे एडमिट था पोता तो उसके बाद में फिर चले गए फिर बोले इस वीक तो शायद मैं नहीं आऊँगा क्योंकि दिक्कत होती दूर छुट्टी की अगली वीक देखूँगा क्या पता भगवान को क्या मंजूर रिटायरमेंट भी भाई साहब सर की नज़दीक थी रिटायरमेंट इसी साल फिर इतने मैडम का मैसेज मिला मैडम आगे भी रोको फिर मैंने बाबू जी को बताया नहीं था भाई मिसेज को मैं थोड़ी देर में चले जाइए हम जा रहे फिर वापस हम लेके आए मैडम आए थे चलो पता तो लग गया क्योंकि बहू तो जा रही सर पेपर उसके बेटा बाहर है बेटिया भी बाहर है इसलिए कितने बच्चे थे सर मंजू सर के एक बेटा एक बेटी दोनों विदेश रहते हैं जी ना बेटी तो बेंगलोर में बैंक में जॉब करती है दामाद भी बात होती है टेंशन वगैरह में दिखाई नहीं तनाव में दिखाई ड्यूटी थी इस तरह नहीं तनाव की कोई बात तो पुलिस में तो तनाव देखो आज के टाइम के अंदर तनाव छोटे मोटे तो तनाव तो उनमें रहने वाले थे तनाव तो नौकरी प्रति तो नौकरी के प्रति तो वो इतने वो थे नौकरी पर कभी हाँ और नौकरी वफादार भी थे पंक्चुअल भी थे टाइमिंग कभी उन्होंने घर में इतनी कई बार इतना गुस्से हो जाएगा टाइम अगर थोड़ा भी हो जाए ना भाई मेरे को इस टाइम पहुँचना तो पहुँचना है अब आपको जानकारी क्या मिली वहाँ बात की आपने वहाँ तो मैडम एसपी मैडम ने एसपी साहब से बात कराई थी तो उन्होंने तो ये कहा भी ऐसे बड़ी मेरे मैसेज पहले भेजा दुख प्रकट किया बाद में उन्होंने कहा भी ऐसे बात होगी मैंने जो तो सर पता लग गया फिर हमने तो लोगों को पूछा ना भी स्टेटस क्या है मैम वहाँ इशार जाए यहाँ आए तो एसपी साहब ने कहा भी शाम तक तो लगेगा टाइम तो परिजनों ने कोई फैसला लिया अंतिम विदाई कहाँ दी जाएगी अंतिम सलामी कहाँ दी जाएगी नहीं इसके बारे में मैंने कुछ नहीं पूछा वो तो महकमे में काम है जी विदाई कहीं दो कहाँ ना दो नहीं जैसे आप बता रहे हैं हिसार में रहना नहीं हम भी संस्कार तो आदमपुर हिसार में करें हमारे पैतृक जगह है इतने नहीं हमारे पेरेंट्स का है जगह वहीं होगी नहीं नहीं सर अभी तो पोस्ट आज तो होना मुश्किल है कल ही होगा क्यों आज तो टाइम नहीं है मेरे पास।